अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद, स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फार्मा से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहें। आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन वन, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन क्या है? ऑप्शंस हैं, इट गिव्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म, इट इज़ द बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, इट कंटेन्स नेम ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल RX एंड एब्रीवेशन फॉर रिसिप्ट, मीनिंग इज यू टेक, नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन ए, इट गिव्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म। क्वेश्चन टू, नेचुरल मेडिसिन आर यूज, नेचुरल मेडिसिन किस रूप में यूज़ होती है? ऑप्शंस हैं, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, बोथ ए एंड बी, नन। करेक्ट ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन थ्री, फॉलोइंग शुड बी मेंशनड इन प्रिस्क्रिप्शन। ऑप्शन में से जो भी पॉइंट्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होने चाहिए। ऑप्शंस हैं, नेम, एज, सेक्स, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज सुपरस्क्रिप्शन? सुपरस्क्रिप्शन क्या है? इट इज़ द बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, इट कंटेन्स नेम ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल RX एंड एब्रीवेशन फॉर रिसिप्ट, मीनिंग इज यू टेक, इट गिव्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन बी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंबल RX एंड एब्रीवेशन फॉर रिसिप्ट, मीनिंग इज यू टेक। क्वेश्चन फाइव, द लैटिन एब्रीवेशन फॉर आफ्टर मील इज, आफ्टर मील का लैटिन में एब्रीवेशन क्या है? ऑप्शन हैं, ए डॉट सी, पी डॉट सी, ए डॉट ए, आई डॉट सी। करेक्ट ऑप्शन बी, पी डॉट सी, पोस्ट सीबोस, मीन्स की आफ्टर मील्स। क्वेश्चन सिक्स, इमल्शन इज, इमल्शन है। ऑप्शंस हैं, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, बोथ ए एंड सी, नन। करेक्ट ऑप्शन सी, बाईफेजिक। क्वेश्चन सेवन, एग्जांपल ऑफ मोनोफेजिक, मोनोफेजिक के एग्जांपल्स हैं। ऑप्शंस हैं, लिनिमेंट, सीरप्स, लोशन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन एट, फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म। ऑप्शन में से कौन सा है सॉलिड डोजेस फॉर्म? ऑप्शंस हैं, सस्पेंशंस, पाउडर, सीरप, लिंक्टस। करेक्ट ऑप्शन बी, पाउडर। क्वेश्चन नाइन, सेमी सॉलिड इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल यूज आर, सेमी सॉलिड इमल्शन जो कि एक्सटर्नल के लिए यूज होता है कौन सा है? ऑप्शंस हैं, क्रीम्स, सीरप, लोशंस, लिनिमेंट्स। करेक्ट ऑप्शन ए, क्रीम्स। क्वेश्चन टेन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन है कब पब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शंस हैं, 1948, 1950, 1944, 1955। करेक्ट ऑप्शन डी, 1955। क्वेश्चन 11, द एट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, इंडियन फार्माकोपिया का आठवां एडिशन कब पब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शंस हैं, 2000, 2009, 2005, 2018। करेक्ट ऑप्शन डी, 2018। क्वेश्चन 12, द मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर के कंस्ट्रक्शन में कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं? ऑप्शंस हैं, ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 13, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के क्या मैकेनिज्म हैं? ऑप्शन में से ऑप्शन है, कटिंग, एट्रिशन, इम्पैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 14, साइज रिडक्शन मैकेनिज्म ऑफ बाल मिल, बाल मिल का क्या मैकेनिज्म होता है, क्या प्रिंसिपल होता है? ऑप्शन में से ऑप्शंस हैं, कटिंग, एट्रिशन, बोथ ए एंड बी, नन।
करेक्ट ऑप्शन बी एट्रिशन। क्वेश्चन 15, कंप्रेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ, कंप्रेशन किसका मैकेनिज्म है, किसका प्रिंसिपल है। ऑप्शंस हैं कटर मिल, हैमर मिल, रोलर मिल, नन। करेक्ट ऑप्शन सी रोलर मिल। क्वेश्चन 16, फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फ्लूइड एनर्जी मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ऑप्शंस हैं कंप्रेशन, कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन, कटिंग, नन। करेक्ट ऑप्शन बी कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन। क्वेश्चन 17, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच मेजरमेंट वेइंग और मेजरिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू, विज्ञान की ऐसी शाखा जहां पे मेजरमेंट से रिलेटेड स्टडी की जाती है। ऑप्शंस हैं फार्माकोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, नन। करेक्ट ऑप्शन सी मेट्रोलॉजी। क्वेश्चन 18, इन विच प्रोसेस द सब्सटेंस इज रब्ड विथ ए ग्लास मोटर टू ऑब्टेन ए वेरी फाइन फॉर्म, ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस को रब करके रगड़ के बहुत बारीक फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लास मोटर का इस्तेमाल करके, ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं स्क्रीनिंग, लेविगेशन, हैमर, नन। करेक्ट ऑप्शन सी लेविगेशन। क्वेश्चन 19, द वेरियस ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स विच आर ऑफिशियल इन आईपी इंडियन फार्माकोपिया इज ऑब्लिक आर, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर को डिफरेंट ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं कोर्स पाउडर 10/44, वेरी फाइन पाउडर 120, मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 20, द टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडियम आर, फिल्टर मीडियम के टाइप्स होते हैं। ऑप्शंस हैं फिल्टर पेपर, कॉटन फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 21, फैक्टर्स कंसीडर्ड इन मिक्सिंग प्रोसेस इज ऑब्लिग आर, मिक्सिंग प्रोसेस में क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। ऑप्शंस हैं पार्टिकल साइज, पार्टिकल अट्रैक्शन, मटेरियल डेंसिटी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट वन इज डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 22, नॉट यूज्ड एज एन ओरल डोज, ऑप्शन में से ऐसा क्या है जो कि ओरल डोज के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शंस हैं टैबलेट, इनेमा, पिल्स, कैप्सूल्स। करेक्ट ऑप्शन बी इनेमा। क्वेश्चन 23, द सब्सटेंस विच रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्ट्रेट टू फ्लो, ऐसा सब्सटेंस जो कि फिल्ट्रेट के फ्लो के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता हो। ऑप्शंस हैं फिल्टर पेपर, बोथ ए एंड सी, फिल्टर एड्स, नन। करेक्ट ऑप्शन सी फिल्टर एड्स। क्वेश्चन 24, एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर एड्स यूज्ड इन फार्मेसी, फिल्टर एड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं जो कि फार्मेसी में इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शंस हैं टाल्क, कैसल गोअर, चारकोल, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 25, ए फाइन पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पासेस थ्रो डैश मेश सीव्स, कितने मेश की सीव से फाइन पाउडर के सारे पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। ऑप्शंस हैं 22, 44, 85, 60। करेक्ट ऑप्शन सी 85। क्वेश्चन 26, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑब्लिक आर, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं। ऑप्शंस हैं एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस, पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया, पार्टिकल साइज, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट वन इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 27, पार्ट ऑफ फिल्टर मीडिया,
फिल्टर मीडिया के क्या पार्ट्स हैं? ऑप्शंस हैं फिल्टर प्रेस, फिल्टर क्लॉथ, एस्बेस्टोस, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, कॉटन वूल, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट वन इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 28, मेथड्स यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? ऑप्शंस हैं इन्फ्यूज़न, डाइजेशन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट वन इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 29, फ्रीज ड्राइंग इज आल्सो कॉल्ड एज। फ्रीज ड्राइंग को और भी नाम से जानते हैं। ऑप्शंस हैं लायोफिलाइजेशन, क्रायोडेसिकेशन, बोथ ए एंड सी, नन। करेक्ट वन इज बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन 30, व्हाट इज मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम क्या है? ऑप्शंस हैं द वेरियस प्रिपरेशंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द प्लांट और एनिमल टिश्यूज आर ट्रीटेड, द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, नन ऑफ दीज। करेक्ट वन इज सी, द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन 31, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज ए डैश मेथड। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किस टाइप का मेथड है? ऑप्शंस हैं केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल, नन। करेक्ट वन इज सी, फिजिकल मेथड। क्वेश्चन 32, ए प्रोडक्ट इज सेट टू बी डैश व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा प्रोडक्ट जो कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पॉल्यूटेड, नॉन स्टराइल, स्टराइल, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट वन इज सी, स्टराइल। क्वेश्चन 33, ऑटोक्लेव इज द एग्जांपल ऑफ। ऑटोक्लेव किसका एग्जांपल है? ऑप्शंस हैं ड्राई हीट स्टराइजेशन, रेडिएशन स्टराइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टराइजेशन, नन। करेक्ट ऑप्शन सी, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन 34, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड रेडिएशन स्टरलाइजेशन कम्स अंडर द। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और रेडिएशन स्टरलाइजेशन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन सी, फिजिकल मेथड। क्वेश्चन 35, एग्जांपल ऑफ केमिकल मेथड स्टरलाइजेशन इज ऑब्लिक आर। केमिकल मेथड स्टरलाइजेशन के एग्जांपल ऑप्शन में से कौन से हैं? ऑप्शंस हैं फॉर्मल्डिहाइड, सिरेमिक फिल्टर, एथाइलीन ऑक्साइड, बोथ ए एंड सी। करेक्ट ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन 37, एन ऑटोक्लेव द मटेरियल्स टू बी स्टरलाइज्ड आर एक्सपोज टू डैश फॉर 30 मिनट। ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करके किसी भी मटेरियल को जब स्टरलाइज किया जाता है तो उसको कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखेंगे 30 मिनट के लिए? ऑप्शंस हैं 110 सेंटीग्रेड, 121 सेंटीग्रेड, 115 सेंटीग्रेड, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन सी, 115 सेंटीग्रेड, 115 सेंटीग्रेड पे इसको 30 मिनट के लिए रखते हैं, वहीं पे 15 मिनट के लिए 121 सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। क्वेश्चन 38, एग्जांपल ऑफ कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं, ऑप्शंस हैं सेलुलोज, अमरंथ, कैल्शियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट। करेक्ट ऑप्शन बी, अमरंथ। क्वेश्चन 39, इन टैबलेट मैनिटॉल यूज्ड एज। टैबलेट में मैनिटॉल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं कलरिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटर्स, ग्लाइडेंट,
स्वीटनिंग एजेंट, करेक्ट ऑप्शन डी स्वीटनिंग एजेंट। क्वेश्चन 40, विच वन यूज एज लुब्रिकेंट, ऑप्शन में से कौन सा है जो कि लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस हैं टाल्क, टेट्राजीन, सनसेट येलो, नन। करेक्ट ऑप्शन ए टाल्क। क्वेश्चन 41, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट इज ऑब्लिक आर, टैबलेट के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। ऑप्शंस हैं वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट वन इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 42, द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट नोन एज, टैबलेट के टॉप या बॉटम लेयर अगर सेपरेट हो जाए कंप्लीटली या पार्शियली तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट वन इज सी कैपिंग। क्वेश्चन 43, द टैबलेट ब्रेक्स इंटू टू और मोर लेयर्स नोन एज, टैबलेट दो या दो से अधिक लेयर में जब ब्रेक होती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं लेमिनेशन, चिपिंग, स्टिकिंग, पिकिंग। करेक्ट ऑप्शन ए लेमिनेशन। क्वेश्चन 44, एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलरिंग एजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट आर कॉल्ड, टैबलेट के सरफेस पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब कलरिंग एजेंट का होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं डबल इम्प्रेशन, पिकिंग, मॉटलिंग, नन। करेक्ट ऑप्शन सी मॉटलिंग। क्वेश्चन 45, द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट डिपेंड्स ऑन, टैबलेट की हार्डनेस किस पे डिपेंड होती है। ऑप्शंस हैं वेट ऑफ मटेरियल, कंप्रेशन, बोथ ए एंड बी, नन। करेक्ट वन इज सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 46, टाइप ऑफ ग्लास इज ऑब्लिक आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल में कौन कौन से टाइप के ग्लास यूज होते हैं। ऑप्शंस हैं टाइप वन बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप टू ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप थ्री सोडा लाइम ग्लास, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट वन इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 47, द हार्डनेस ऑफ टैबलेट टेस्ट बाय, टैबलेट की हार्डनेस किससे टेस्ट की जाती है। ऑप्शंस हैं मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, फाइजर हार्डनेस टेस्टर, बोथ ए एंड बी, नन। करेक्ट वन इज सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग, ऑप्शन में से कौन सा टैबलेट कोटिंग का टाइप है। ऑप्शन है शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, इंट्रिक कोटिंग, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट वन इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 49, कोटिंग ऑफ टैबलेट विच डज नॉट परमिट द रिलीज ऑफ ड्रग इन एसिड मीडियम ऑफ द स्टमक बट इट रिलीजेज द ड्रग इन अल्कलाइन मीडियम ऑफ द इंटेस्टाइन, ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कोटिंग टैबलेट है जो कि ड्रग को एसिडिक मीडियम मतलब स्टमक में रिलीज नहीं होने देती, वहीं पर अल्कलाइन मीडियम इंटेस्टाइन में रिलीज होने देती है। ऑप्शंस हैं बक्कल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट, इफरवेसेंट टैबलेट, एंट्रिक कोटिंग टैबलेट। करेक्ट ऑप्शन डी एंट्रिक कोटिंग टैबलेट। क्वेश्चन 50, टाइप ऑफ कैप्सूल इज ऑब्लिक आर, कैप्सूल के टाइप्स कौन से हैं। ऑप्शन है हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। करेक्ट वन इज सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 51, रोटोसॉर्ट इज एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर, रोटोसॉर्ट ऐसा इक्विपमेंट है
किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है टू कोट द टैबलेट, टू फिक्स द कैप एंड बॉडी ऑफ द कैप्सूल्स आफ्टर फिलिंग, टू एडजस्ट द रिक्वायर्ड कंप्रेशन फॉर द टैबलेट, टू सेपरेट द इम्प्रॉपर टैबलेट। करेक्ट वन इज बी, टू फिक्स द कैप एंड बॉडी ऑफ द कैप्सूल्स आफ्टर फिलिंग। और ये फिलिंग का भी काम करता है कैप्सूल के। क्वेश्चन 52, इन कैप्सूल्स रोटोफिल इज यूज्ड फॉर द फिलिंग ऑफ। कैप्सूल में रोटोफिल क्या चीज़ फिल करने के लिए यूज होता है? ऑप्शन है पाउडर, लिक्विड, पैलेट्स, क्रोसिव लिक्विड। करेक्ट वन इज सी, पैलेट। क्वेश्चन 53, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंजेस फ्रॉम। जिलेटिन के ब्लूम स्ट्रेंथ की रेंज ऑप्शन में से कौन सी है? ऑप्शंस हैं 35 टू 50 ग्राम, 150 टू 250 ग्राम, 20 टू 600 ग्राम, 200 टू 300 ग्राम। करेक्ट वन इज बी, 150 टू 250 ग्राम। क्वेश्चन 54, एसेप्टिक एरिया स्टराइल एरिया इज। ऑप्शन में से कौन सा स्टराइल एरिया होता है? ऑप्शन है क्लास 100 एरिया, क्लास 10 एरिया, क्लास 1000 एरिया, क्लास 10,000 एरिया। करेक्ट वन इज ए, क्लास 100 एरिया। क्वेश्चन 55, बीसीजी वैक्सीन इज ए। बीसीजी वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है? ऑप्शन है वायरल वैक्सीन, फंगी वैक्सीन, बैक्टीरियल वैक्सीन, नन। करेक्ट वन इज सी, बैक्टीरियल वैक्सीन। क्वेश्चन 56, टाइप सेकंड ग्लास इज कॉल्ड एज। टाइप सेकंड ग्लास को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं जनरल सोडा लाइम ग्लास, बीएस ग्लास, एनपी ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। करेक्ट वन इज डी, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। क्वेश्चन 57, द पैकेज दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ फार्मुलेशन डायरेक्टली इज कॉल्ड। ऐसा पैकेज जो कि फार्मुलेशन के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्राइमरी पैकेज, टर्शरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, नन ऑफ दीज। करेक्ट वन इज ए, प्राइमरी पैकेज। क्वेश्चन 58, प्लास्टिक कंटेनर्स आर स्टरलाइज्ड यूजिंग। प्लास्टिक कंटेनर स्टरलाइज किया जाता है किसका इस्तेमाल करके? ऑप्शंस हैं ऑटोक्लेव, एथाइलीन ऑक्साइड, ब्लीच, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट वन इज बी, एथाइलीन ऑक्साइड। क्वेश्चन 59, सिमिथिकोन इज लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन फॉलोइंग ओटीसी प्रोडक्ट। सिमिथिकोन ऑप्शन में से किस ओटीसी प्रोडक्ट्स में आता है? ऑप्शंस हैं एंटासिड, डीकंजेस्टेंट, कफ प्रोडक्ट, लग्जेटिव। करेक्ट वन इज ए, एंटासिड। क्वेश्चन 66, बेंजाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन सम पेरेंटरल सॉल्यूशन एज। कुछ पेरेंटरल सॉल्यूशन में बेंजाइल अल्कोहल किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस हैं एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, बफरिंग एजेंट, विटामिन। करेक्ट वन इज बी, प्रिजर्वेटिव। क्वेश्चन 61, विच कैप्सूल साइज हैज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। ऑप्शन में से कैप्सूल की साइज, ऐसी कौन सी साइज जो कि स्मॉलेस्ट कैपेसिटी रखता हो, मतलब उसमें कम क्वांटिटी में ड्रग फिल होती हो? ऑप्शंस हैं 000, 2500। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ऑप्शन में से कौन सा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं है?
ऑप्शन है पेस्ट, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, सस्पेंशन। आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 63, वेजाइनल सपोस्टरीज आल्सो नोन एज या आल्सो कॉल्ड एज, वेजाइनल सपोस्टरीज को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं पेसेसरीज, बाउजीज, सिंपल सपोस्टरीज, नन। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।